हमार कलाकार, जी हाँ, अरविंद अकेला कल्लू, अवधेश मिश्रा, सोनालिका प्रसाद और भी कई भोजपुरी के कलाकारों से सजी इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और इस फिल्म के ट्रेलर ने धमाल मचाया हुआ है। फिल्म के ट्रेलर ने एक दिन में 2 मिलियन व्यूज़ क्रॉस किया है, जो आजकल के लिए बहुत ही बड़ी बात है। खैर, हम आपको यहाँ ये बता दें ट्रेलर शुरू होने से पहले कि फिल्म में हीरो चाहे जो भी हो, लेकिन फिल्म का हीरो सिर्फ स्क्रिप्ट ही होती है। अगर आपके फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी है तो उस फिल्म को सुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज बात करेंगे फिल्म के ट्रेलर की और बता दें आपको कि यह फिल्म का ट्रेलर वाकई बहुत खूबसूरत है। बड़े नाम जुड़े नहीं हैं, लेकिन अवधेश मिश्रा काफ़ी हैं। जी हाँ, इन्हें तो भोजपुरी की पावर फैक्ट्री कहना चाहिए एज अ एक्टर। खैर, चलिए, ये जितनी भी फिल्मों में रहे, चाहे वो विलन रहे, चाहे वो सपोर्टिंग रोल में रहे या फिर चाहे वो ग्रे शेड में, हर एक रोल में ये फिट बैठते हैं। तभी तो अवधेश मिश्रा के कंधों पर इस फिल्म की सबसे बड़ी बागडोर दी गई और इस फिल्म में अवधेश मिश्रा अरविंद के पापा का रोल प्ले कर रहे हैं। चाहते हैं कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह शहनाई बजाए, लेकिन बेटा आजकल का है और उसे शहनाई का महत्व पता नहीं है। उसने तो जब से देखा है शादियों में डीजे बजते ही देखा है, तो शहनाई को वो कोई पिछड़े जमाने की वस्तु समझता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब वो देखता है कि उसका ही दोस्त, जो उसी की तरह निठल्ला था, लेकिन शहर जाकर अमीर बनकर लौटा है और इससे वो उसका राज पूछता है। तब वो बताता है वो जहाँ पर काम करता था उसके बॉस की लड़की का दिल उस पर आ गया और उसने उससे शादी कर ली और ये ठाट बाट उसी का है। तब जाकर ये सारे जो कि अरविंद अकेला कल्लू के दोस्त रहते हैं, सारे दोस्तों को ये तरकीब सूझती है इस तरह से अमीर बनना सबसे आसान होगा और जुट जाते हैं एक लड़की की, अमीर लड़की की खासकर तलाश में। ये तलाश उनकी जाकर फिल्म के एक हीरोइन पर पूरी होती है। वैसे फिल्म में 2 हीरोइनें हैं, अरुणा गिरी और सोनालिका प्रसाद। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात तब होती है जब फिल्म की हीरोइन को ये पता चलता है कि अरविंद अकेला कल्लू साजिश के तहत उससे शादी किए हुए हैं और अमीर बनने का सपना देख रहे हैं। फिर क्या था, जिस मंडप में वो शादी करने गए हैं में अपने पिता के साथ उन्हें शहनाई बजानी पड़ती है और ये एक कलाकार के लिए बहुत ही बड़ी दुखद बात होती है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है। यहाँ पर पिता का किरदार निभाते हुए अवधेश मिश्रा को ये बात बहुत बुरी लगती है और इसके लिए वो अरविंद अकेला कल्लू को बहुत सुनाते हैं। फिर उसके बाद ट्रेलर में दिखाया गया है कि अरविंद एक बड़ा आदमी बनकर आते हैं, लेकिन गिफ्ट के रूप में अपने अंदर घमंड लेकर आते हैं, जो कि पिता को ये तो अच्छा लगता है कि बेटा इतना कामयाब हो गया है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर घमंड पैदा हो चुका है। और तब अरविंद अकेला कल्लू को अवधेश मिश्रा इस फिल्म का सबसे भारी डायलॉग बोलते हैं और वो डायलॉग कुछ इस तरह है कि जिस कलाकारी का अहंकार दिखा रहे हो वो कलाकारी कल किसी और की थी, आज किसी और की है और कल किसी और की होगी। इस पूरे फिल्म के ट्रेलर में आपको पराग पाटिल का कसा हुआ निर्देशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ म्यूजिक की बात करें तो श्याम आज़ाद का म्यूजिक काफ़ी कर्णप्रिय है। बैनर की बात करें तो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड और सियाराम प्रोडक्शन ने काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट चुना है। साथ ही साथ आपको बता दें लोकेशन की, तो लोकेशन बहुत ही प्यारी है, ना ही बहुत ज़्यादा लेविस है, ना ही बहुत ज़्यादा आप चीप कह सकते हैं। साथ ही साथ हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था फिल्म की जो हीरो होता है वो स्क्रिप्ट होता है, तो इस जो पूरे ट्रेलर में ये दिखाया गया है समय समय पर कि किस तरह से अब भोजपुरी में भी फिल्में मीनिंगफुल बनने लगी हैं और फिल्में अच्छी बनने लगी हैं।
अरविंद अकेला कल्लू की वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक है। साथ ही साथ पराग पाटिल जो कि फिल्म के निर्देशक हैं, बहुत ही उम्दा फिल्म बनाते हैं, इनके लिए भी यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ पे अवधेश मिश्रा के बारे में हम इसलिए कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि अवधेश मिश्रा अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूट है। उनके लिए कुछ कहना भोजपुरी इंडस्ट्री में सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फिल्म कलाकार और इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। आप भी ज़रूर देखिए इस फिल्म के ट्रेलर को, बहुत ही बेहतरीन ट्रेलर है, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर।